अलीगढ़ में गणेश जी की मूर्ति स्थापना करने वाली मुस्लिम महिला रूबी आफिस खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आईपीएन न्यूज से बातचीत करने के दौरान कहा है कि हिंदू देवताओं पर टिप्पणी करने वाले सहारनपुर के मौलाना जिहादी और उग्रवादी हैं। पूजा आस्था को लेकर विवादित बयान देने वाले मौलवी सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। यह देश का बंटवारा करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को मिलजुल कर रहना चाहिए। मेरे द्वारा की जा रही पूजा याचना को लेकर पहले भी मेरे खिलाफ फतवे जारी हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आईपीएन। में स्थापित किया गया है जिसको लेकर मुल्ला और मौलवियों के विवादित बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्या कहेंगी आप? मैं ये कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं है। ये जिहाती लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है। इनको बोलने से मतलब, अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और हर कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ और मैं इसी तरह से सारे त्यौहार मनाती हूँ। और ये लोग पहले भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, इसी तरह से बोल चुके हैं। मेरे पोस्टर पहले भी इन्होंने लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसी तरह एकता रहे, सभी हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव ना रहे। अब आपने क्या किया है मतलब? मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है अपने घर में। कितने दिन हो गए? आज हो गए 7 दिन के लिए किए, आज तीसरा दिन है। तो जो सहारनपुर के मौलवी हैं जी, जो बयान दे रहे हैं आपको लेकर जी, उनको क्या सबक क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौलवियों को? मैं ऐसे मौलवियों को मुसलमान नहीं मानती हूँ। वो जाती हैं और वो देश का अच्छा नहीं चाहते, भला नहीं चाहते। वो एक उग्रवादी हैं, वो सही सोच नहीं है उनकी, तो वो सही मुसलमान नहीं है। सही सोच वाले होते तो वो ऐसी बात नहीं बोलते। हिंदू मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके ख़िलाफ़ करता है तो वो अपने मजहब के ख़िलाफ़ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मजहब के ख़िलाफ़ करने का होता है। ये दो